प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आई श्री सोनल मां के कल्याणकारी प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और भाजपा नेता की हत्या के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 11 अन्य आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए नगद बरामद और मोटरसाइकिल भी जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आई श्री सोनल मां के कल्याणकारी प्रयासों की सराहना की है। सोनल मां के शताब्दी जयंती समारोह पर अपने वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि आई श्री सोनल मां का पूरा जीवन राष्ट्र और जन कल्याण को समर्पित था। श्री मोदी ने कहा कि विभाजन के दौरान सोनल मां ने जूनागढ़ की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। श्री मोदी ने कहा कि आई श्री सोनल मां इस बात का उदाहरण है कि भारत महान आत्माओं की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र सहित गुजरात के कई संत महात्माओं ने मानवता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनल मां आधुनिक जगत के लिए प्रकाश की एक किरण की तरह है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, मानवता की शिक्षा और प्रायश्चित के संदेश ने उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना दिया था। प्रकाश स्तंभ की तरह थी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ेरा के सोनल धाम में की जा सकती है। भाइयों बहनों, सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए, देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सोनल मां हमेशा हमारे साथ बनी रहेंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर विमानतल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। श्री सिंह 15 जनवरी तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभागीय अधिकारियों की बैठक लेंगे, साथ ही रायपुर और कोरबा जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज नया रायपुर के सर्किट हाउस में राज्य के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहान दीदियों का लखपति बनाने का संकल्प लिया है। बिहान के दीदियों को प्रधानमंत्री ने लाखपति बनाने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 56 लाख घरों तक गए हैं, उन दीदियों को लाखपति बनाना ये इन्होंने ठीका लिया है। ठीका नहीं बल्कि कमिटमेंट है, ठीका सब ठीक नहीं है। और दूसरा, मनरेगा में जो खाए हैं उनको दवा देके उगलवाएंगे जितना खाए हैं। और तीसरा, जो गोठान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया उस गोठान को अब हम लोगों के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा।
श्री सिंह कल 14 जनवरी को कोरबा में आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद कटघोरा के विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता है, हमारी सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। राज्य सरकार किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्य के रूप में होती है। दुर्ग जिले के खपरी गांव में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को साहूकारों के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। उन्होंने देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का काम किया, इससे किसानों को काफी राहत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मोदी जी की गारंटी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी का वादा पूरा करने के लिए समर्थन मूल्य से अंतर की राशि किसानों को जल्द ही एकमुश्त दी जाएगी। श्री साय ने इस मौके पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए किसान संघ की ओर से लगभग 20 क्विंटल हरी सब्जियों से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांकेर जिले की पुलिस ने भाजपा नेता असीम राय की हत्या के आरोप में कांग्रेस नेता और पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि जांच के दौरान SIT ने पखांजूर शहर के सभी CCTV का अवलोकन किया। तब जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल सवार 2 आरोपियों ने घटना के दिन असीम राय को उनके कॉम्प्लेक्स से घर जाने के दौरान पीछा किया और मोटरसाइकिल में पीछे बैठे आरोपी ने राय पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। कांकेर पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द ये पूरे घटनाक्रम का उजागर किया गया, जल्द से जल्द ये कार्रवाई कंप्लीट की गई और कांकेर पुलिस के सभी यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारी का एवं SIT की पूरी टीम के द्वारा दिन रात ये कार्रवाई करके इसको अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, 3 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद कर लिया है। महादेव सट्टा ऐप में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने रायपुर और कोलकाता में छापा मारकर 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को कल ED के विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां सुनवाई पश्चात न्यायालय विशेष ने दोनों आरोपियों की रिमांड 17 जनवरी तक मंजूरी कर ली है। ED के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि नितिन तिबड़ेवाल और अमित अग्रवाल को हवाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। महादेव ऐप जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, महादेव बेटिंग पोर्टल के द्वारा जो लॉन्डर करके बहुत सारा पैसा कमाया गया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अध्ययन किया गया है। इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है दुबई बेस्ड सौरभ सरदार, रवि उपल, शुभम सोनी हमारे जो है। गौरतलब है कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय नृत्य संगीत कला प्रतियोगिता और नृत्योत्सव का आयोजन किया गया। आज मधुगुंजन कार्यक्रम के तहत पहले दिन कलाकारों के द्वारा कथक, फोक डांस, ओडिसी नृत्य, सामूहिक नृत्य और एकल नृत्य की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम के पहले दिन 200 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस समारोह में 70 कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। वैष्णव संगीत महाविद्यालय के संचालक शरद वैष्णव ने बताया कि राजा चक्रधर सिंह ने संगीत और कथक नृत्य की शुरुआत की थी और आज उन्हीं के याद में 2 समितियों द्वारा मधुगुंजन कार्यक्रम रखा गया है।
नगर के रूप में जानते हैं, उनका जो एक उद्देश्य था या उन्होंने जो अपना जीवन जिस चीज में दिया वो था संगीत, और उन्होंने संगीत को इतना संरक्षण दिया, उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान जितना हो सकता था उतना दिया। उसी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसा मंच प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को जो उनके कला को निखारने में मदद साबित होगी। हमने बहुत जगह पर देखा है ऐसे आयोजन तो खूब होता है, लेकिन रायगढ़ के लिए एक अनोखा आयोजन साबित होगा ऐसा हमारा उम्मीद है। वही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कथक नृत्यांगना ने बताया कि उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेकर और अपनी कला का प्रदर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, ये मेरा सेकंड बार है, फर्स्ट टाइम में मधुगुंजन में पार्टिसिपेट किए थे हम लोग दोनों ही, और हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला था। क्या क्या तैयारियां करते हैं आप प्रोग्राम के लिए, किस तरह की तैयारी रहती है आप लोगों की? हम लोग एक महीने पहले से ही हम लोग तैयारी करने के लिए चालू करते हैं। 3 दिवसीय इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए बाल और युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ खबरें जिलों से। राज्य सरकार के प्रयास और सार्थक पहल से कबीरधाम जिले के 2 ग्रामीण श्रमिक युवकों को जिला प्रशासन की टीम ने कर्नाटक के धारवाड़ से सुरक्षित और सहकुशल निकाल लिया है। इन दोनों ग्रामीण युवकों के माता पिता और उनके परिजनों ने अपने बेटे की गांव वापसी के लिए उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले ताता पानी महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 14 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में इस बार भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिलेगी। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं कांकेर जिले के चारामा की एक गली में दीवार में भी सुंदर राम दरबार की चित्रकारी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1000 फीट है। इस चित्रकारी को देखने के लिए इन दिनों दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को एक और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए युवाओं से आह्वान किया है। कोंडागांव में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर और नगर पालिका उपाध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आई श्री सोनल मां के कल्याणकारी प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और भाजपा नेता की हत्या के आरोप में नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 11 अन्य आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख रुपए नकद और मोटरसाइकिल बरामद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। Yeah.